दोस्तों, आप जब कभी मान लीजिए कोई स्मार्टफोन आप परचेजिंग करने जाते हो, तो आप सोचते हो कि आपके नीड के हिसाब से फ़ोन हो और प्राइसिंग वगैरह एक अच्छी प्राइस में फ़ोन हो, बट वो चीज़ हो नहीं पाती। तो आज मैं इसी चीज़ के ऊपर एक ये वीडियो लेके आया हूँ, जो कि काफ़ी कम प्राइस में आपको एक अच्छा स्मार्टफोन कंपनी ने लॉन्च किया है और बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स इसमें डाला है। तो मैं आज इसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने वाले इन्फिनिक्स के नए मॉडल इन्फिनिक्स हॉक 30i के बारे में बात करने वाले, जो कि काफ़ी अच्छे प्राइस में बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ ये फ़ोन आया है। प्राइस की बात मैं लास्ट में करूँगा, क्योंकि ये एक सस्पेंस प्राइस है, जो कि आप सोच भी नहीं सकते उसके अंदर ही ये फ़ोन। तो सबसे पहले हम लोग इसके ग्राफ के तरफ चलते हैं, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले जो यहाँ पे आपको मिल रही 6.6 इंच की HD प्लस डिस्प्ले मिल रही है। अगर इसके रेजोल्यूशन की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 720x1612 का रेजोल्यूशन मिल जाएगा। इसकी PPI की हम लोग बात करते हैं, तो ये 267 PPI के साथ रहने वाला है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करते हैं, 84.66 का यहाँ पे आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाएगा। रिफ्रेश रेट की बात करते हैं, तो यह 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ रहने वाला है। वही दूसरी तरफ इसके ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एंड्रॉयड वर्जन की बात करते हैं, तो ये फ़ोन आपका एंड्रॉयड 12 पे रहने वाला है। प्रोसेसर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रोसेसर थोड़ा अपग्रेड हो गया है। प्रोसेसर यहाँ पे आपको G37 का यहाँ पे आपको प्रोसेसर मिल जाएगा। क्लॉक स्पीड की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 2.3 का क्लॉक स्पीड मिल जाएगा। और वही दूसरी तरफ अगर इसके हम लोग रैम रोम की बात करते हैं, तो रैम यहाँ पे क्या हो सकती है ये आप नहीं जान सकते, तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो रैम मिलने वाली है, 8GB की LPDDR4S की रैम मिल रही है, 128GB का यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल जाएगा, और 8GB रैम यहाँ पे आपको प्लस होने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। दूसरी तरफ इसके कैमरे की अगर हम लोग बात करते हैं, तो फ्रंट कैमरा जो यहाँ पे आपको मिलने वाला है वो 5MP का है। अगर इसके अपर्चर की बात करते हैं, तो यहाँ पे 2.2 का अपर्चर रहने वाला है। बैक कैमरे की बात करते हैं, तो बैक में आपको 2 कैमरे मिल जाएंगे। मेन कैमरा जो इनका रहने वाला है वो 50MP का है। इसके अगर अपर्चर की बात करते हैं, तो ये 1.8 अपर्चर के साथ ये रहने वाला है। सेकेंडरी कैमरा जो पोके मोड पे काम करता है, वो आपका 2MP का है। और इसके अपर्चर की बात करते हैं, तो ये 2.4 अपर्चर के साथ रहने वाला है। अगर इसकी बैटरी की हम लोग बात करते हैं, तो बैटरी जो यहाँ पे आपको मिलने वाली है, बैटरी आपको यहाँ पे 5000mAh की बैटरी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। चार्जर की बात करते हैं, तो चार्जर यहाँ पे आपको 18W का चार्जर मिल जाएगा। अगर इसके ऑडियो जैक की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 3.5mm का ऑडियो जैक मिल जाएगा। अगर इसके ब्लूटूथ वर्जन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 5.1 का ब्लूटूथ वर्जन मिल जाएगा। टाइप सी पोर्ट के साथ ये फ़ोन आपका रहने वाला है। बैक से अगर लुक देखा जाए, तो लुक देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। डिज़ाइन वगैरह कंपनी ने बहुत ही अच्छी बनाई हुई है इसमें। ओवरऑल अगर फ़ोन देखा जाए, तो फ़ोन बहुत ही बेस्ट मॉडल है। और हाँ, इसकी अगर हम लोग प्राइस की बात करते हैं, तो यह आपको 8999 में ये आपको मिल जाएगा, जो कि फ्लिपकार्ट पे आपको 3 तारीख से ये मॉडल आपको प्रोवाइड हो जाएगा। आप इसको प्री बुक भी कर सकते हो। बस आज की वीडियो यहीं तक। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।